चौथा वीडियो है शायद, और मतलब बहुत ज्यादा अच्छे भी है, ऐसे भी नहीं कि लाइक उर्फी जावेद के ऊपर ये वाले वीडियो अच्छे नहीं, दे आर वेरी गुड उनको, लाइक अच्छे व्यूज भी आए हैं, तो मतलब बढ़िया बने हैं इनके वीडियोस, और मतलब इसके पहले भी तीन देखा है हमने, तो देर वर सो मच गुड, और मुझे पसंद आया, तो वे पंच लाइन्स एंड एवरीथिंग वाज नाइस एंड सो टुडे वी आर हियर विद द केडी लाइफ का ये वाला वीडियो, सो हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते दोस्तों क्या चल रहा है। अब यार तुमको तो पता ही होगा, पिछले दो वीक में मैंने इस फीमेल रणवीर सिंह यानी कि उर्फी जावेद पे दो दो उड़े बना डाले। अच्छा दो अब यार बनाना बनता ही था, मैडम के कांड ही इतने हैं। हाँ मैडम कभी हैंडलेस पहनती है, कभी साइडलेस पहनती है, कभी पेटलेस पहनती है, कभी बैकलेस पहनती है, क्या क्या लेस पहनती है, क्या मतलब कि मैडम का दिमाग भी लेस है। और अभी देखो मैडम को रोज डे के दिन किसी ने रोज नहीं दिया तो मैडम अपने बॉडी में ही फूल बनाकर आ गई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। अब मैडम पर ऑलरेडी दो वीडियो में बना चुका हूँ, तुम चाहो कि तो दो और बना दूंगा, लेकिन इसका फैशन तो यार कुछ भी नहीं है, असली फैशन तो ये है। अबे ये कौन सा पोकेमॉन है? ये कौन सा पोकेमॉन है? अरे ये है मदेसी गर्ल, मदेसी गर्ल, साला सुतली बॉम्ब लगा। मतलब मन करे कि ऐसे अगरबत्ती लेके जाऊं और जाके फोड़ दूं। ऐसा लग रहा है कि मतलब मम्मी ने कहा कि बोरिया बिस्तर बांध कर घर से निकल जाओ। हाँ। और ये निकल भी गई। अगर किसी बंदे को चश्मा लगाए तो बिना चश्मे के ये उसे कुछ और लगेगी, क्या ये सच में यार, मतलब चश्मा लगाया तो प्रियंका चोपड़ा, चश्मा हटाया तो सुशील मुर्ग। देख लियो अबे सर पर क्या लगाया है, वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप। हाँ ये अच्छा है यार, अच्छा है। मुझे क्यों नहीं आ जाती है, अच्छा है यार ये। अब ये क्या यार, मतलब पूरा टेंट लेकर घूम रही है। जितना कपड़ा प्रियंका के शरीर के बाहर है उतने कपड़े में प्रियंका के तीन चार कपड़े और बन जाएंगे। हाँ, मतलब और उर्फी जावेद के 15-20। ये कपड़ा इतना बड़ा है कि तुम इससे पूरा कार ढक सकते हो। You are right, bro. ये कपड़ा इतना बड़ा है कि गीजा के तीनों पिरामिड समाने के बाद भी इसमें जगह बच जाएगा। अच्छा। ये कपड़ा अरे बस कर भाई। वो जो चाय के कप में कुछ देर चाय रखने के बाद कैसे उसमें एक लेयर जम जाती है, इसका कपड़ा बिल्कुल उस लेयर की तरह लग रहा है। यार मतलब सच में आज मन कर रहा है ना कि इन बॉलीवुड वालों को भिगा के मारो। मचाएंगे मचाएंगे ये मचाएंगे। क्या मचाएंगे सर, क्या मचाएंगे, ऐसा लग रहा है कि मतलब कैडबरी का कवर पहन के आ गया हो। बात तो सही है। कैसे कैसे अलाव कैसे करती है दीपिका इसको घर के बाहर। पल पल में ना खारा देखावे गोरिया, हमरा का चुतिया बनावे गोरिया। लेट्स डिकोड हिज फैशन। तो सबसे पहले इसने दीपिका का हेयर बैंड लगाया है, फिर अपने कोट में एक छेदा करके दीपिका के गाउन को उससे पास कर दिया। हाँ। और हाथ में चंपक चाचा का छड़ी पकड़ लिया। समटाइम व्हाट आई थिंक कि रणवीर सिंह का फैशन ज्यादा बुरा है या फिर राखी सावंत का। ये क्या है, ये क्यों है? ओके अबे स्पाइडरमैन कम WWE की बूगीमैन ज्यादा लग रही है। मतलब यार देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि बॉलीवुड में एक मेल कार्टून और एक फीमेल कार्टून दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ओ भाई यार मतलब आज मेरी हंसी नहीं रुक रही है ऐसे अजीबोगरीब फैशन देखकर। ये कौन सा तरीका है चोटी करने का, सर के बाल कम घोड़े के पूंछ के बाल ज्यादा लग रहे हैं। आज से लगभग 3,500 साल पहले
बिंदी का आविष्कार हुआ था। उस समय औरतें सिर्फ सर में बिंदी लगाती थी, लेकिन ये इसने सर पे बिंदी लगा रखा है, गाल पे बिंदी लगा रखा है, और हद तो देखो, होठों के ऊपर भी बिंदी लगा रखा है। वेल डन। क्या फायदा सिक्योरिटी गार्ड होने का, मैडम तो गिर गई। वही तो। सिक्योरिटी गार्ड वाले खुद एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपनी सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ हैप्पी स्टार के बारे में, जहाँ पर तुम स्पोर्ट्स पर बैटिंग करके पैसे जीत सकते हो, जैसे कि क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और भी कई सारे। इवन यहाँ पर तुम्हें डिपॉजिट करने के लिए सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और इनकी सबसे अच्छी बात है वेलकम बोनस। तुम्हें फर्स्ट डिपॉजिट पे 120% का वेलकम बोनस मिलेगा, सेकंड पे 75 और थर्ड पे 50% का वेलकम बोनस। इसके अलावा यहाँ पर तुम्हें कैसीनो का भी ऑप्शन मिल जाएगा खेलने के लिए, जहाँ पर तुम बस मिनिमम 2 रुपीज से कैसीनो में बेट लगा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हें डेली 5% का रिलोड बोनस मिलेगा, लेकिन इन दोनों में से किसी एक में। इनके पास स्पेशल स्पोर्ट बुक फीचर भी है, जैसे कि एडिट बैट एंड कैश आउट। जीते हुए पैसे को तुम इजीली यूपीआई के मदद से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर से ट्राई करो। चलो चलो चलो, गिर जाओ गिर जाओ। अरे फिसल गया। बाय बाय टाटा, गुड बाय गया। अरे अक्षय सर समझा करो, आप राजू मान लो, शक्तिमान नहीं, मतलब सीधा जाकर गिर गए। वो तो शुक्र मनाओ कि सीधा जाकर घास में गिरे, अगर गंदे लाले में गिरते ना तो हेरा फेरी के राजू से सीधा रन का विजय राज बन जाते। मजा यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि अक्षय सर को गिरने का बड़ा शौक है, जब देखो गिरते रहते हैं। कितने बार, अरे ये बहुत पुराना वाला फोन तो यार, अभी इसको लेके क्या है रोज यार। न्यूज़पेपर वाली ड्रेस। मैडम मेरे को एक बात बताओ, कपड़े सीजन के हिसाब से बदलते हो या फिर खबर के हिसाब से? और एक्चुअली मैं तो ये सोच रहा था कि अगर किसी को न्यूज पढ़नी हो तो वो नीचे से पढ़ेगा या फिर ऊपर से। हरामी हो बेटा। यस बता। और करो ऐसे अजीबोगरीब फैशन ट्राई, मतलब मेरी कानी उंगली से भी पतली इसकी हील है, पहन के सीधा 1.5 फीट के ऊपर जाकर पोज दे रही है। क्या हो रहा है? बॉलीवुड का फैशन का ना मतलब सिंपल सा हिसाब है, या तो इनके कपड़े अजीब होते हैं या फिर कॉपेड। यार मतलब मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये बॉलीवुड वाले मूवी चोर के साथ साथ कपड़ा चोर भी है। सबके सब चोर हैं साले। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी ऐश्वर्या राय बच्चन और उनका बटरफ्लाई ड्रेस। बटरफ्लाई ड्रेस? अभी यार मेरे को समझ आया कि ये रेड कारपेट इतना क्लीन क्यों रहता है, जब 90% कपड़े शरीर के बाहर रहेंगे तो गंदगी जाएगी कहाँ। इनका ये बटरफ्लाई गाउन 3000 घंटों में बनकर तैयार हुआ। 3000 घंटे? What the fuck? रेको यार मतलब कैलकुलेट करता हूँ, 3000 घंटे डिवाइडेड बाय 24, 125 दिन। अगर लोगों ने 12 घंटे भी रोज काम किया होगा तो 250 दिन, मतलब लगभग 8 महीने। जनरली लोग बॉडी की फिटिंग के हिसाब से कपड़े बनवाते हैं, इसने पहले कपड़े बनाए होंगे फिर उसके हिसाब से बॉडी बनाई होगी। साइज कैसा हंसता है तू? मेरे को लगता है ना मैडम ने सोचा होगा कि ये वाला जूता पहनो या फिर ये वाला, फिर दोनों अच्छे लगे। मैं तो सैलब हूँ, एक काम करती हूँ दोनों को मिला के पहन लेती हूँ। अरे रणवीर सर, माना कि लड़का लड़की एक समान होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी वाइफ का कपड़ा पहन के आ जाओ। और यहाँ देखो, इसने चप्पल दीपिका के पहने हैं। सच में? ऐश्वर्या जी मेरे को ये बताओ, रेड कार्पेट में जाने से पहले अभिषेक बच्चन ने आपको किस किया था या फिर देसी नाग ने? ऐसा लग रहा है कि मतलब नाग ने आकर ऐसे होठों में ही ढक लिया। वैसे तुम लोग मेरे को एक बात बताओ,
सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? कैसे बनूंगा यार मैं बड़ा यूट्यूबर? सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और भारत के नए कानून के अनुसार वीडियो देखने के बाद कमेंट करना जरूरी है। तो एक घंटे के अंदर कमेंट करो ताकि मैं लाइक दूं और रीड करूं, सारे कमेंट को रिप्लाई भी करूं। हैप्पी स्टार पे जाकर गेम खेलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। ओके, तो इट वाज द उर्फी जॉन ज्यादा बॉलीवुड सेलेब ज्यादा था। हाँ, मतलब पता है, मतलब लाइक व्हाट वी कैन से, आई गेस लीसा, नहीं व्हाई एम आई सेइंग लीसा, उनका नाम यार, मतलब 1920 जब से आया है तब के, मतलब मैं तो मेरे दिमाग में उनका नाम लीसा है, बट एक्चुअली आई फॉलो हर ऑन फेसबुक, तो उनका नाम मुझे पता है, लेट मी लाइक अदा, हाँ अदा, अदा शर्मा, तो उनका नाम एक्चुअली वो बहुत ज्यादा पुराना वाला फोटो था उनका, और वो पहले भी बहुत सारे मीम्स बन चुके हैं, तो अभी फिर से लाइक आ गए ये, एंड आई वाज लाइक सो मच व्हाट यू कैन से न्यू टू द इंस्टाग्राम, मतलब उस टाइम पे तो मुझे लाइक मतलब तभी डायरेक्टली ऐसे बहुत सारे मीम्स लाइक करने लगे, तो वो वाला मुझे याद है वहाँ, लेकिन बाकी ये वाला केडी का वीडियो इट वॉज नाइस। सो दैट इज इट फॉर टुडे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरे इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज फॉलो दैट। थैंक यू।